नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हम स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए आपके पास में 3 अकाउंट होना जरूरी है। इसमें पहला अकाउंट है डीमैट अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आपके पास में होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर पाओगे। डीमैट अकाउंट का जो यूज़ होता है, जो भी शेयर आप खरीदते हो वो शेयर रखने के लिए एक जगह होती है, उस जगह को बोला जाता है डीमैट अकाउंट। मतलब जो भी शेयर आप खरीदोगे वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। जिस तरीके से आप बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो ना, ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने शेयर रख सकते हो। तो डीमैट अकाउंट पहला आपके पास में होना चाहिए। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप शेयर को खरीद सकते हो, शेयर को बेच सकते हो। तो शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गए दो अकाउंट। इसके बाद में तीसरा अकाउंट जो है वो है बैंक अकाउंट। आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए और ये बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है। और ये तीनों अकाउंट, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट का जो यूज़ रहेगा, आपको उस पर्टिकुलर बैंक से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करना पड़ता है, पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं शेयर खरीदने के लिए। और जब आपको विड्रॉल करना होता पैसे, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे स्टॉक मार्केट में, उसी पर्टिकुलर बैंक से होंगे जो आपने बैंक को लिंक किया है, उसी बैंक से आपको पेमेंट करना है, उसी बैंक में आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे एक रुपये का भी कैश में व्यवहार नहीं होता है। जो भी व्यवहार होगा आपको चेक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा या NEFT करना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बट आप कैश नहीं दे सकते, एक रुपये भी कैश आपको यहाँ पे नहीं दे सकते। जो भी है बैंक के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये तीन अकाउंट जरूरी है स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए, और ये तीनों अकाउंट एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, अगर आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसमें जो पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो लगेगा ID प्रूफ। ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट इसमें जो लगेगा वो पैन कार्ड। पैन कार्ड इज़ ए मैंडेटरी, पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड आपके पास में होना ही चाहिए, तभी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड कंपलसरी है, दूसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, ये आपके पास में होना चाहिए। तीसरा आप जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ये दे सकते हो। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपको बैंक प्रूफ। बैंक प्रूफ में आप अपना कैंसिल चेक दे सकते हो, ठीक है। दूसरा बैंक पासबुक दे सकते हो। उसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ इसीलिए, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ता है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है तो आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इनकम प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, इनकम प्रूफ में आप अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हो, या ITR रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटमेंट आप वो दे सकते हो, या फिर आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट वो दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 2 फोटो आपको लगती है, ठीक है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते वक्त आपके पास में होने चाहिए। फिर दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद आपको उसमें पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, मतलब पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं अपने लिंक किए हुए बैंक से। जो बैंक आपको लिंक है वहाँ पे, उसी बैंक से आपको फंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। फंड आने के बाद में आप उससे शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। फिर आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। जो भी शेयर खरीदोगे बेचोगे उसके ट्रांजैक्शन आपको लेजर स्टेटमेंट में दिखेंगे, ठीक है। क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, जो भी पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस रहेगा उसको आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हो उसका। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदोगे तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है वो पैसा डेबिट हो जाएगा और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकल जाएगा और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप कोई शेयर बेचोगे, ठीक है, तो डीमैट अकाउंट से वो शेयर निकलकर बाहर हो जाएगा, डीमैट अकाउंट से शेयर निकल जाएगा, शेयर आपने बेच दिया और उसके पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आके जमा हो जाएंगे। इस तरीके के ट्रांजेक्शन होंगे नॉर्मल ट्रेडिंग में। मतलब मैं सेटलमेंट ट्रेडिंग वाली बात कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे में तो कैश में ही सेटलमेंट हो जाता है, सेम डे सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे में जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में जाता ही नहीं है, ठीक है, बाहर के बाहर ही उसका सेटलमेंट हो जाता है। आज आपने कोई शेयर खरीदा, देखिए हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में T+2 में सेटलमेंट होता है। आज आपने अगर कोई शेयर खरीदा तो आज का खरीदा हुआ शेयर आपके डीमैट अकाउंट में परसों आता है। मतलब मंडे को अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में वेडनेसडे के दिन आएगा।
मंडे के दिन अगर आपने कोई शेयर बेचा तो उसके पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वेनेसडे के दिन आएंगे, मतलब टी प्लस टू में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सेटलमेंट होता है। ये नॉर्मल डिलीवरी ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इंट्राडे करोगे तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंट्राडे में क्या होता है कि आज ही आपको शेयर खरीदना होता है और आज ही शेयर आपको बेचना होता है। इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होता है इसमें सेम डे सेटलमेंट होता है, मतलब इसमें कोई भी शेयर आपके डिमैट अकाउंट में जाता नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेम डे सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। बट डिलीवरी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, आज आपने शेयर खरीदा उसे नहीं बेचा, ठीक है, तो वो शेयर परसों मतलब मंडे को खरीदा तो वेनेसडे को आपके डिमैट अकाउंट में आएगा। आज आपने कोई शेयर बेचा मतलब डिमैट अकाउंट से कोई शेयर बेचा तो उसके पैसे मंडे को अगर बेचा तो वेनेसडे के दिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं पैसे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में मिनिमम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की मिनिमम की और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम तो आप इसमें 50-100 रुपये भी डाल सकते हो और मैक्सिमम जितना पैसा आपके पास में उतना पूरा डाल सकते हो। तो मिनिमम और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। स्टॉक मार्केट में जितना चाहो उतना पैसा आप लगा सकते हो। शुरुआत करने के लिए आप 50-100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। एक शेयर खरीद के भी आप देख सकते हो, ठीक है, कैसा शेयर खरीदा जाता है, कैसा बेचा जाता है, किस तरीके से उसका सेटलमेंट होता है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की बात हो रही है तो इसमें लाखों रुपए लगते होंगे, लाखों रुपए से शुरुआत होती होगी। तो ऐसा नहीं है, आप 50-100 रुपये 200 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों, शेयर में मुनाफा कैसे होता है। मान लो आपने ITC कंपनी के, जो इंडियन टोबैको कंपनी, ITC कंपनी के 100 शेयर खरीदे, एक शेयर का भाव मान लो 200 रुपये, ठीक है, आपने 100 शेयर खरीद लिए तो टोटल आपने कितने रुपए के शेयर खरीदे, टोटल आपने 20,000 रुपये के शेयर खरीदे। जब आप ये 20,000 रुपये के शेयर खरीदोगे तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से 20,000 रुपये प्लस ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, क्योंकि आप ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीद रहे हो तो ब्रोकर इस पर ब्रोकरेज लेता है, ठीक है, तो ब्रोकरेज और टैक्सेस भी आपको देना पड़ता है। तो 20,000 रुपये प्लस ब्रोकरेज एंड टैक्सेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा जब आप शेयर को खरीदोगे। अब आपने 200 रुपये के भाव पर ITC कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, फिर मान लो ITC शेयर का भाव बढ़ गया, 200 रुपये से भाव बढ़कर 210 रुपये हो गया, ठीक है, 10 रुपये आपको एक शेयर के पीछे मुनाफा हो रहा है। आपने 100 शेयर अपने बेच दिए, ठीक है, नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद में आपने बेच दिए या सेम डे भी आपने बेच दिए मान लो, तो आपने 210 रुपये पे एक शेयर बेचा तो 100 शेयर आपके कितने के बिके, 21,000 रुपये के, ठीक है, आपने 21,000 रुपये के शेयर बेच दिए, ठीक है। अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 21,000 रुपये पूरे नहीं आएंगे, वो 21,000 रुपये में से ब्रोकरेज और टैक्सेस कट के आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा होगा, 200-300 रुपये जो भी रहेगा ब्रोकरेज एंड टैक्सेस वहाँ पे कटेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर से जब भी आप शेयर खरीदते हो तब भी आपको ब्रोकरेज और टैक्सेस देना पड़ता है, जब भी आप शेयर बेचते हो तब भी आपको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस देना पड़ता है, ठीक है, तो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कटने के बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसे जाते और आते हैं और इस तरीके से मुनाफा होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसमें मुनाफा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा शेयर गिरेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, जिस दिन आपको ये चीज़ पता चल जाए आप मुझे भी बता देना, मैं भी थोड़े बहुत पैसे कमा लूँगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी नहीं बता सकता है कि कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा शेयर गिरेगा। सब लोग अनुमान लगाते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आप सुनते होंगे, टीवी पर आते हैं, इधर से टिप्स मिलती है, उधर से टिप्स मिलती है, तो ये सब अंदाजे होते हैं लोगों के, ये सिर्फ एक अनुमान होता है। एग्जैक्टली एक्यूरेट कोई भी ये चीज़ नहीं बता सकता है कि कल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कौन सा शेयर बढ़ेगा कौन सा शेयर गिरेगा, ये किसी को भी नहीं पता है। बट फिर भी जब भी हम कोई शेयर खरीदते, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए वो शेयर खरीद रहे हैं तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस कर ही हमें वो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की पूरी जन्म कुंडली हमें देखना पड़ता है, कंपनी के बैलेंस शीट का एनालिसिस करना पड़ता है, कंपनी का बैकग्राउंड देखना पड़ता है, कंपनी के मैनेजमेंट को समझना पड़ता है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड एंड सप्लाई को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर खरीद रहे हैं, मान लो इंट्राडे के लिए हमें शेयर खरीदना है या फिर 2-4-5 दिन 10 दिन के लिए कोई शेयर खरीदना है, तो ऐसे में उसका टेक्निकल एनालिसिस हमें जरूर करना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस मतलब सिर्फ टेक्निकल चार्ट उसमें हमें देखना पड़ता है, कैंडलस्टिक चार्ट जो कि एक फेमस चार्ट है, वो कैंडलस्टिक चार्ट देखकर हमें शेयर खरीदना चाहिए। तो जब भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीदो तो फंडामेंटल एनालिसिस करके खरीदो, और जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर खरीदो तो टेक्निकल एनालिसिस करके आप शेयर खरीदो। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।